अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की भुजिया। इसको आप आलू की कतलियाँ भी कह सकते हैं और आलू की भुजिया भी कह सकते हैं। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट नोट करें। इसके लिए हमने लिया है 4 बड़े साइज़ के आलू, जिसको हमने इस तरह से छील के और गोल गोल काट लिया है। इसके अलावा हमने एक छोटी प्याज ली है, जिसको हमने चॉप कर लिया है। मसालों में इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून कुटी मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये 1/4 टीस्पून हमारे पास काली मिर्च पाउडर है, कुटी हुई काली मिर्च भी ले सकते हैं आप। ये साबुत ज़ीरा हमारे पास 1 टीस्पून है और नमक आपके टेस्ट के हिसाब से आप ले लीजिएगा। उसके साथ ही हमारे पास है कड़ी पत्ते। ये मैंने 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया था, इसके छिलके उतार के 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का हमने पेस्ट बना लिया था। ये 1/4 कप ऑयल है और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। पैन में हमने 1/4 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर हमने इसमें ये जीरा ऐड कर देना है। साथ ही हमने ये कड़ी पत्ते ऐड कर दिए हैं। प्याज भी हमने इसके साथ ही ऐड कर देनी है। प्याज को हमने लाइट गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा बस प्याज का कलर चेंज हो, लाइट गोल्डन प्याज का कलर रखना है हमने। अब हमने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। आलू को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है ठीक है, इसी ऑयल में। अब हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं, हल्दी, थोड़ी काली मिर्चें, कुटी हुई और पिसी हुई लाल मिर्ची और ये नमक। ये मसाले जल ना जाएं। अब हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं।
के आलू गल जाएं। हमने ये हाफ का पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसकी लिड लगा के इतनी देर तक इसको पकाएंगे कि जितनी देर इसके आलू गल जाएं। फ्लेम हमने लो कर देना है।